नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 8 माह में दूसरा आतंकी हमला। इंस्टीट्यूट की इमारत में फायरिंग। आतंकियों के छिपे होने की जताई जा रही आशंका। सेना ने की इलाके की घेराबंदी। सर्जिकल स्ट्राइक पर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का दावा। आतंकी ठिकानों के साथ पाक सेना की 2 पोस्ट भी की गई थी तबाह। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और क्लिंटन के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू। हिलेरी ने कहा डोनाल्ड नहीं राष्ट्रपति बनने के लायक, तो वही ट्रंप विवादित वीडियो पर हुए शर्मिंदा। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज। नरेश बाल्यान पर लगा मारपीट का आरोप। और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। बोले इस बार विजयदशमी होगी बेहद खास। मजबूत देश के लिए सक्षम सशस्त्र बल जरूरी। पीएम मोदी ने पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस साल की विजयदशमी बहुत खास है। पीएम ने कहा कि किसी मजबूत देश के लिए बेहद सक्षम सशस्त्र बल जरूरी है। रविवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले दिनों में हम विजयदशमी मनाएंगे। इस साल की विजयदशमी देश के लिए बेहद खास है। पीएम के इस बयान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक दशहरा पर्व के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत से गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई है, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। बताया जा रहा है कि पंपोर में स्थित इस इमारत के अंदर कुछ आतंकी मौजूद हो सकते हैं। अभी इस हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। वही सेना के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने के तत्काल बाद JKEDI के परिसर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये इमारत जिस परिसर में है वह इस साल के शुरू में मुठभेड़ हुई थी। अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते उन्हें इमारत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ISI बौखलाई हुई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी हमले करवाकर बदला लेने की फिराक में है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ISI ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कहा कि कैसे भी करके भारत में हमला कर सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया जाए। जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर फिर से भारतीय संसद पर हमले की तैयारी कर रहा है। जैश ने अफजल गुरु के नेतृत्व में 2001 में संसद पर हमला किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी और जम्मू कश्मीर की CID को जानकारी मिली है कि जैश फिर से भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बड़ा दावा किया गया है। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकियों के 5 लॉन्च पैड के साथ पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों को भी तबाह कर दिया था। संघ के मुखपत्र के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की ये दोनों पोस्ट आतंकियों के लॉन्च पैड के साथ बनी हुई थी, इसलिए सेना ने इन्हें भी तबाह कर दिया। सेना ने जो टारगेट चुना था वो उरी की 19वीं डिवीजन, कुपवाड़ा की 28वीं डिवीजन और राजौरी की 25वीं डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में था। प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एच आवर 28 सितंबर की आधी रात के वक्त सेना को हमला करना होता है। 28 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को इस सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बता दिया था। इस स्ट्राइक का मकसद पीओके में आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि भारत हमलावरों को सजा जरूर देगा। अमेरिका राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच दूसरी डिबेट शुरू हो गई है। अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के साथ उनकी बहस करो या मरो वाली है। महिलाओं के बारे में ट्रंप की अभद्र टिप्पणी आने के बाद हिलेरी से उनकी बहस
हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तीन में से दूसरी बहस सेंट लुइस में हो रही है। ट्रंप के पास राष्ट्रपति चुनाव प्रचार को बचाने के लिए 90 मिनट का समय है। ट्रंप और हिलेरी ने बिना हाथ मिला ही बहस की शुरुआत की। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। वहीं ट्रंप वीडियो पर शर्मिंदा हुए। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अमेरिका को बेहतर और अधिक सुरक्षित बनाऊंगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।